चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं वनराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं चैनल वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर फॉर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और एसएससी बैंक का जो भी इंग्लिश का पोर्शन आता है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का एक सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको रिमूव टू बताया था। आज का जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये है एक्टिव और पैसिव का टॉपिक। इसमें हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्टिव से पैसिव। तो उसके जो जो रूल्स हैं दोस्तों, सारे रूल्स मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं एक एक करके। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अक्सर हम एक्टिव पैसिव को करते हैं और हम ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्टिव होता क्या है। कई बार आप सेंटेंस पढ़ लेते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता कि ये एक्टिव में है कि पैसे में है। अब जनरली जब मैं लोगों से पूछता हूं, और आपको बता दूं, ये बैंक में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा वार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों के अक्सर एग्जाम में गलती होती है कि वो नहीं पहचान पाते हैं कि एक्टिव है कि वाकई पैसे है। अगर पैसिव होगा तो आपको वर्क का फॉर्म बदलना होगा, एक्टिव होगा तो दूसरा फॉर्म लगाना होगा। तो यहीं पे यहीं से इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, एक्टिव जितने भी आपने सेंटेंस पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक, दोस्तों सारे ही वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी में इसको कृतवाच्य और कर्मवाच्य बोलते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है? देखिए, सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो। अब सब्जेक्ट को हम अपनी भाषा में कहें दोस्तों, तो इसको हम डूअर भी बोलते हैं, है ना। डूअर का मतलब हो गया दोस्तों क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला। यानी कि अगर कोई वाक्य सब्जेक्ट बेस है, डूअर बेस है, तो वो वाक्य दोस्तों एक्टिव होता है। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा कैसे कि आप देखते ही बताएंगे कि ये वाक्य एक्टिव में है कि पैसिव है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस की। ऑब्जेक्ट बेस सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी कि बड़ा ही सिंपल है कि जहां पर डूअर की इंपॉर्टेंस हो, डूअर को आधार बनाकर के वाक्य बनाया गया हो वो एक्टिव कहलाता है, और जहां पर ऑब्जेक्ट को बेस बनाकर के, ऑब्जेक्ट को बेस बनाकर के वाक्य बनाया गया हो वहां पर वो वाक्य पैसिव वॉइस कहलाता है। समझ में आ गया होगा आपको एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको बताऊंगा, दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, या यूं कहिए कि दो बेसिक बातों की आवश्यकता पड़ती है एक्टिव से पैसिव बनाने में। वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए टेबल के माध्यम से उनको मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये टेबल नंबर फर्स्ट है दोस्तों, चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। आपने प्रोनाउंस पढ़े होंगे, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े होंगे। अगर आपको ये कॉमन टेबल याद नहीं है दोस्तों, तो आपको पैसिव बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए मैं बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो लेकर के आया हूं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है एक्टिव से पैसिव क्या होता है, कैसे बनता है, तो वो इस वीडियो को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो चार्ट है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउंस का, इसको आपको याद रखना है। एक बार मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहां पर दे देता हूं। देखिए, ये वाला जो फॉर्म होता है प्रोनाउन का, ये हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म कहलाता है, ठीक है। इसको हम सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव फॉर्म या सब्जेक्ट कहते हैं। ये वाला जो फॉर्म है इसको हम ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों, यहां पर आपको बड़ा ध्यान से समझना होगा, कई एग्जाम्स में बच्चे गलती कर देते हैं।
पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। होता क्या है दोस्तों कि ये वाला जो फॉर्म है माई आर, ठीक है, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, ये जो फॉर्म है ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। सॉरी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि माई क्या है तो आप कहेंगे पजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनके बाद हमेशा ही कोई ना कोई दोस्तों नाउन, इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। जैसे दिस इज माय बुक, तो बुक आ गया, है ना। दिस इज माय हाउस, तो हाउस आ गया। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये जो रॉ है, ये है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। माइन, आर, आर्स, योर्स, इट्स, हिज, हर्स, देयर्स, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपसे पूछा जाए तो इनको याद रखिएगा, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो सेल्फ फॉर्म यानी स्वयं का जो बोध कराते हैं या जो खुद का बोध कराते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको याद ये रखना है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में आपको बहुत सरलता होगी, एक्टिव पैसिव करने में आपको बहुत सरलता होगी। अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा आप परेशानी में पड़ेंगे। तो इसको जरूर याद रखिएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी, पजेसिव एडजेक्टिव माई, माइन, माई सेल्फ, वी का अस, आर, आर्स, आर सेल्फ, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर में भी प्रयोग होता है और प्लूरल में भी प्रयोग होता है, ठीक है। यू, यू, इसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम ही रहता है, योर, योर्स, योरसेल्फ। आगे है दोस्तों इट, इट, इट्स, इट्स और इट्सेल्फ। तो ध्यान दीजिएगा, ये टेबल आप जरूर याद कर लीजिएगा। ही जो कि मेल के लिए यूज होता है, इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, फिर पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। ऐसे ही सी, सी का ऑब्जेक्ट हर और पजेसिव एडजेक्टिव भी हर, पजेसिव प्रोनाउन भी हर और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हरसेल्फ, ठीक है। दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट देम होता है, पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और देयर्स होता है पजेसिव प्रोनाउन और देमसेल्फ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देमसेल्फ्स। यहां पर आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं तो सिंगुलर अगर वो है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो हम उसमें सेल्फ लगाते हैं। अगर प्लूरल है तो इसमें हम एस, ई, एल, वी, ई, एस लगाते हैं, इसलिए यहां पर आप देमसेल्फ और सेल्फ लिखा हुआ देख रहे हैं। तो पहली टेबल तो दोस्तों ये है जो आपको याद रखनी है। आइए दूसरी टेबल की ओर चलते हैं। दूसरी टेबल भी आपको याद रखनी है, बहुत इजी हो जाएंगे इसके बाद टेंस समझना और उनको करना। देखिए दोस्तों, टेबल नंबर टू है चेंजिंग ऑफ वर्ब्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपने नहीं समझा तो फिर आप एक्टिव से पैसिव कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको समझते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताना है, कोई लंबा चौड़ा गीत नहीं सुनाना, कुछ नहीं करना, सिंपल वे में। आइए कैसे, देखिए ये पार्ट है एक्टिव का, यानी कि जो वाक्य आपको दिया गया होगा वो इस फॉर्म में आपको इन वर्ब्स के साथ आपको मिलेगा। अब आपको उसको परिवर्तित करना है पैसिव वॉइस में। तो अगर ये दिया हो तो आपको ये वाला पार्ट फॉलो करना पड़ेगा, ये पोर्शन आपको लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगाना है, क्या करना है, ये मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। यहां पर आप समझिए, देखिए यदि वाक्य में, दिए गए वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, डू दिया हो, डज दिया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हो या ई एस लगा हो, ठीक है। एक्चुअल में तो अगर आप डीपली थोड़ा सा समझते हैं बात को तो ये सारा एक ही बात हो गई यहां से यहां तक कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म अगर दी हो, है ना, फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं,
वाक्य का पैसिव बनाते समय, पैसिव में परिवर्तित करते समय आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट बन रहा होगा सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो आपको इज एम आर लगाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी हो तो आपको वाज और वर लगाना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से यदि वाक्य बना हो, डिड से यदि वाक्य बना हो, तो पैसिव बनाते समय आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल आपको वाज या वर लगाना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इज एम आर अगर दिया है पहले से ही वाक्य में, यदि पहले से ही वाक्य में इज एम आर वाज वर दिया है तो आपको पैसिव बनाते समय इज एम आर का तो आप प्रयोग करेंगे ही, साथ में आपको बींग जोड़ देना है। क्या लगाना है? बींग लगाना है। यानी कि अगर वाक्य कॉन्टिन्यूस का है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस का, तो दोनों में ही आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में बींग जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, क्या जोड़ देना है? बींग जोड़ देना है। अब बात कर लेते हैं आगे, यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हो, पास्ट परफेक्ट का हो, यानी कि हैज हैव हैड दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, हैज हैव हैड दिया हो, तो आपको उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जोड़ देना है। कितना इजी आपके लिए हो गया? देखिए फिर से सुनिए, इज एम आर वाज वर दिया हो तो बींग जोड़ेंगे, हैज हैव हैड दिया हो तो बीन जोड़ेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, यदि विल शैल दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो आप बी जोड़ेंगे। ठीक है, बी जोड़ेंगे। अगर विल हैव शैल हैव दिया है तो आप बीन जोड़ेंगे। ये है आपके सिंपल, जो आप स्टार्टिंग की क्लासेस से एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम पढ़ते हैं, इसको बड़ा डिटेल में दिया जाता है, लेकिन सिंपल एक छोटे से चार्ट के माध्यम से आप इतना समझ सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो इज एम आर लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो तो वाज वर लगाना है, इज एम आर वाज वर दिया हो तो आपको अपने पास से बीन जोड़ना है, हैज हैव हैड दिया हो तो आपको बीन लगाना है, विल शैल दिया हो तो बी लगाना है, विल हैव शैल हैव दिया हो तो बीन लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये क्या आपने लिख दिया, ये रह गया। देखिए भैया इसको मैं समझाता हूं अपने तरीके से, आपने सुना भी होगा इसलिए आपको समझा भी दूं। आपने भगवान भी तो सुना होगा ना, शब्द भगवान, एक्टिव पैसिव का ये जो है ये भगवान है, और कौन भगवान है? देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, हर जगह जो प्रकट हो जाए एक्टिव पैसिव में, पैसिव बनाते समय जो हर जगह प्रकट हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ना भगवान। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह प्रकट होगी इस पैसिव में, बाय हर जगह प्रकट होगा। अब चूंकि भगवान है तो ये बाय कई जगह ना अपना रूप बदल लेगा, और ऑब्जेक्ट जो पैसिव बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं वो यहां पर आएगा। तो इन सब के साथ में हर वाक्य में आपको ये तीन चीजें कंपलसरी लगानी होंगी। पैसिव में तीन चीजें कंपलसरी हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, बाय, और बाय के अनुसार अलावा भी कई और प्रीपोजिशन आते हैं, और ऑब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जिसको कन्वर्ट किया है। तो ये थे आपके दोस्तों चेंजिंग ऑफ टेंस का रूल। ठीक है, दोनों टेबल आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आइए कुछ आगे चलते हैं और कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, मैं कोई भी चैप्टर जब आपको कराता हूं तो मैं आपको कुछ बेसिक नियम, उसके जो बारीकी है वो आपको मैं जरूर बताता हूं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो उनको करते समय। पैसिव बनाते समय सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नंबर एक वर्ब, नंबर दो ऑब्जेक्ट। देखिए हो सकता है कि वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया हो, डूअर ना दिया हो,
अगर डूअर नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो पैसे भी नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो ये दोनों जो पार्ट हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक पैसिव बनाने में, ठीक है। वर्ब का होना आवश्यक है और ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। आगे बात कर लेते हैं, सामान्यतः पैसिव ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। तो इस पर हम थोड़ा आगे चर्चा करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। सामान्यतः याद रखिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब का, जिसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया बोलते हैं, इसका पैसिव बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। और जो बनते हैं दोस्तों, तो विशेष परिस्थितियों में उसके कुछ अलग रूल हैं, वो मैं आपको आगे बताऊं। सामान्यतः ऐसा नहीं होता। आइए तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यदि सब्जेक्ट वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, दे, प्यूपिल या कोई ऐसा वैक्यू सब्जेक्ट हो जो अंडरस्टूड हो, तो उसको हम पैसिव बनाते समय छोड़ देते हैं, उसको हम नहीं लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तीन चार बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपको समझाता हूं कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब आखिर होता क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, ये आपको समझाता हूं। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब को हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं, सॉरी अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा कि किस वाक्य का पैसिव बनाना है, किसका नहीं बनाना है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव बनाते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब का सामान्यतः पैसिव नहीं बनाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक बोलते हैं। सकर्मक का मतलब हो गया दोस्तों कर्म के साथ, यानी कि विद ऑब्जेक्ट। ऐसे वर्ब जो अपने साथ अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेते हैं, वे वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। अकर्मक क्रिया का मतलब है बिना कर्म वाला, बिना कर्म वाली क्रिया। ऐसी क्रिया जो, ऐसी वर्ब जो अपना अर्थ स्वतः से स्पष्ट कर लेती है, उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि विदाउट विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ट्रांजिटिव होता है विद ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव होता है विदाउट ऑब्जेक्ट। अब एक एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। देखिए, हमने यहां पर लिखा स्माइल, हमने यहां पर लिखा स्लीप, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं लाइट, यहां पर हम लिख लेते हैं एक और वर्ब ले लेते हैं अरेस्ट, ठीक है। अब ये दो दो वर्ब हमने यहां पर लिखे हैं और हमको नहीं पता चलना है कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव। तो कैसे आप पता करें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है? देखिए, इनके साथ क्या करते हैं हम, क्या लगाकर ये प्रश्न आपको करना है। लिखा, राइट माने लिखना, तो बोलिए क्या, क्या लिखा, सॉरी क्या लिखा। तो आंसर में अगर आपको कुछ मिल जाता है दोस्तों, तो वर्ब होता है ट्रांजिटिव। जैसे हम यहां पर लिखते हैं आई रोट
आपने क्लियर से प्रश्न किया क्या लिखा, तो आपको आंसर में मिला पत्र। तो ये जो वर्ब हुआ दोस्तों, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आई अरेस्टेड द थीफ, या वी या द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। तो पुलिस ने अरेस्ट किया, किसको क्या लगाना है और आपको किसको लगाना है। ठीक है, तो किसको अरेस्ट किया, थीफ को। तो ये वर्ब कैसा हो गया दोस्तों, ट्रांजिटिव। अब बात कर लेते हैं इंट्रा। जब आंसर में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जब ऑब्जेक्ट ना मिले तो इंट्रांजिटिव होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों आपको क्या लगाना है, किसको लगाना है। अगर आपने कुछ और लगाया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, फिर आपको नहीं पता चलेगा। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं लगाना है। देखिए, इस्माइल हंसा, आप लगाइए क्या हंसा, क्या हंसा। ठीक है ना, तो क्या हंसा में तो आंसर कुछ नहीं मिल रहा ना। अगर हम कहते कौन हंसा तो आंसर मिल जाएगा, वो सब्जेक्ट निकालने के लिए होता है। लेकिन हमने कहा क्या लगाना है आपको, क्या हंसा नहीं मिल रहा। अब ऐसे ही स्लीप, स्लीप सोया, कहिए क्या सोया। ठीक है, क्या सोया, तो आंसर नहीं मिलेगा कुछ भी। तो ऐसे वर्ब जिनका अर्थ स्पष्ट स्वतः से होता है, जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, वो इंट्रांजिटिव होते हैं। जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है वो ट्रांजिटिव होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की ओर। ये बातें आपको जरूर निश्चित रूप से समझनी थी। अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो फिर आप एक्टिव पैसिव को सरलता से नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको एक्टिव पैसिव के अब कुछ बेसिक रूल से शुरुआत करूंगा, आगे ले चलता हूं थोड़ा सा। यहां पर देखिए दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूंगा। आसान चीजों से आप जल्दी समझ जाते हैं आपको करना क्या होता है इसमें। मैंने कहा था तीन चीजें इसमें होंगी। पहला डुअल, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर वर्ब, जिसको हम क्रिया कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिसको हम कर्म कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक्टिव वाला वाक्य है। आपको इसका पैसिव बनाना है। अब सबसे पहले क्या करना है, देखिए कुछ लोगों को ये चीजें आती होंगी तो उनको लग रहा होगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, है ना, उसको आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो को। पर जिनको बिल्कुल बेसिक समझना है वो इस बात को समझे, इसके बाद फिर आगे रूल स्टार्ट करेंगे। ही राइट्स ए लेटर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इधर कैरी करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए लेटर। अब हमने कहा था आपको कि आपको टेबल नंबर सेकंड जरूर याद करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो पैसिव बनाते समय हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो लेटर एक है तो हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि भगवान की लेके आइए साहब, जो वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय लगाएंगे, बताया था आपको भगवान जी, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है वो यहां पर लिख देंगे। तो ये आपका बन गया पैसिव, इसको हम कैरी कर लेते हैं इधर, और वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये आपको करना होता है एक्टिव से पैसिव बनाने में। तीन चीजें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस कीजिए, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगाइए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए,
बाय अपने पास से प्लेस कीजिए, जो सब्जेक्ट दिया है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दीजिए, ठीक है। ये हमें करना होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की, और सबसे पहला रूल आपके लिए लेकर के आया हूं, देखिए पढ़ लीजिएगा समझ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, यदि वाक्य में मॉडल्स दिए हों, यदि वाक्य में मॉडल्स दिए हों तो पैसिव को बी लगा करके बनाते हैं, ठीक है। और यदि मॉडल्स के साथ हैव दिया हो तो पैसिव बीन लगाकर बनाते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है दोस्तों, इसमें लिखने में थोड़ी गलती हुई है, हाँ? इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो पैसिव बीन लगाकर बनाते हैं। क्या कहा गया है कि यदि वाक्य में मॉडल्स दिए हों, अब समझ में आ रहा होगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आ रहा होगा। तो दोस्तों कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट, इस तरह के जो भी वर्ब होते हैं दोस्तों ये मॉडल्स कहलाते हैं। यहां पर कहा गया कि यदि वाक्य में मॉडल्स दिए हों तो वाक्य का पैसिव आप बी जोड़कर बनाएंगे, ठीक है। और यदि इनके बाद में अगर हैव पहले से ही दिया है तो आप बीन जोड़कर पैसे बनाएंगे, ये कहा जा रहा है दोस्तों। रूल आपको समझ में आ गया हो तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दे मे विन द रेस, मैच कर देते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि यदि वाक्य में मॉडल्स दिए हों तो यहां पर क्या दिया हुआ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल्स दिया हुआ है। तो ऐसे वाक्यों का हमें रूल याद है, बी लगा करके आपको पैसिव बनाना है। सबसे पहला काम कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। द मैच, मॉडल्स को ऐसे ही लिख लेंगे मे, बी लगाएंगे प्लस भगवान जी को ले आएंगे, विन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वॉन, बाय दे का क्या हो जाएगा देन, ये आपका बन गया दोस्तों पैसे, ठीक है। दे में विन द मैच, तो द मैच मे बी वॉन बाय देन। अगला एग्जांपल समझिए दोस्तों, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। ही मस्ट हैव रिटन द बुक। देखिए दोस्तों, अगर खाली मॉडल दिया हो तो बी लगाना है, अगर मॉडल के बाद में हैव दिया हो तो पैसिव बीन लगा करके बनाएंगे, ठीक है। इसको मैंने कहा था ध्यान रखिएगा, बीन लगा करके आपको पैसिव बनाना है, ठीक। अब क्या करना है दोस्तों, वही पहला वर्ब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लेते हैं, दी बुक, मस्ट हैव एज यूजुअल आ जाएगा, मस्ट हैव क्या जोड़ना है अपने पास से, बीन लगा देना है, बीन आपने लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है ऐसे ही लगा देंगे, भगवान जी तो आना ही है, रिटन बाय, अब जो सब्जेक्ट दिया था ही उसको ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, लिख देंगे हिम,
ये बन गया आपका पैसे। तो रूल नंबर फर्स्ट आपने तैयार कर लिया होगा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अगला और एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, वी शुड लव आर कंट्री। देखिए इजी से टफ की ओर आपको ले चलूंगा, आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, उसके बाद जीवन में आपको कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी एक्टिव पैसिव के रूल समझने की। तो ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। आर कंट्री शुड, क्या करना है, अगर खाली मॉडल दिया होता है तो हमको बी लगाना है, बी लव की थर्ड फॉर्म, लव्ड बाय अस। लीजिए ये आपका रूल नंबर फर्स्ट दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर टू की ओर। देखिए दोस्तों रूल नंबर टू क्या है, यदि वाक्य में बी वर्ब है वर्ब के बाद इन्फिनेटिव दिया हो तो पैसिव बी लगाकर इन्फिनेटिव का बनाते हैं। तो पहले आपको बता देता हूं बी वर्ब क्या होते हैं, है वर्ब आपको मालूम है, देखिए बी वर्ब में आता है हमारा इज, एम, आर, वाज और वर। है वर्ब में आपको मालूम है आता है हैज, हैव और हैड। अब कहा है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है दोस्तों, इन्फिनेटिव भी समझ लीजिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव की संज्ञा देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यदि वाक्य में बी वर्ब है वर्ब के बाद इन्फिनेटिव दिया हो तो पैसिव बी लगा करके, क्या लगा करके, बी लगा करके केवल और केवल इन्फिनेटिव का बनाते हैं, बाकी में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। रूल पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। बात आपको समझ में आ गई होगी, बी वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर वाज वर्ब, ठीक है वर्ब क्या होते हैं, हैज हैव हैड। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहा जाता है। जब भी वाक्य इस तरह इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव केवल बी लगा करके इन्फिनेटिव का बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, दे हैव टू प्ले ए गेम, दे हैव टू प्ले ए गेम। अब देखिए सबसे पहला जो कार्य है उसको कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर ले आते हैं, ए गेम, हैव टू दिया है दोस्तों, ए गेम साफ साफ लिखा हुआ हैव। हमने आपको बताया था कि हैव वर्ब हो या बी वर्ब हो, हैव वर्ब दिया हो या बी वर्ब दिया हो तो आप पैसिव केवल इन्फिनेटिव का बनाएंगे। ए गेम, अब चूंकि सिंगुलर गेम है दोस्तों तो हम क्या ले आएंगे यहां पर, हैज, ए गेम हैज। अब जो टू है इसको ऐसे ही लिख लेंगे, अपने पास से बी लगा देंगे, ठीक है, यही तो कहा है बी लगा करके आपको पैसिव बनाना है। ए गेम हैज टू बी प्लेड, has to be played by them। लीजिए सर ये आपका पैसिव बन गया, देख लीजिए समझ लीजिए। आवश्यकता अनुसार आप इसमें
बाय देम को हटा भी सकते हैं, ठीक है, चाहे तो लगा रहने दें। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। ही वॉज टू राइट ए बुक। बहुत इजी इजी से आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, बाद में टफ करूंगा। ए बुक वाज है तो वाज ही रहेगा दोस्तों, ये बी वर्ब है, वाज टू है तो टू लिख लेंगे, बी अपने पास से लगाएंगे, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन कर देंगे, रिटन बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, इस ही को जब उधर लेके जाएंगे तो हिम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आपको और आगे ले चलता हूं रूल नंबर थर्ड की ओर। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अरे भाई क्या हुआ रे, चलिए रूल यहां एग्जाम्पल ऊपर दे देते हैं दोस्तों। यदि वाक्य देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव पर आधारित हो, देखिए पहले मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूं जिससे मुझे आपको समझाने में आसानी होगी। देयर इज नो बुक टू राइट। समझिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या ये स्ट्रक्चर लागू हो रहा है। देयर दिया है, यहां पर भी दिया है, वर्ब चाहिए वर्ब भी दिया है, नाउन चाहिए नाउन भी मिल गया, इन्फिनेटिव चाहिए वो भी मिल गया। अब इस तरह का यदि वाक्य हो तो लिखा है पैसिव इन्फिनेटिव का बनाते हैं, पैसिव आपको केवल और केवल इन्फिनेटिव का बनाना है। जितने भी वाक्यों में इन्फिनेटिव दिया होता है जनरली दोस्तों पैसिव इन्फिनेटिव का ही बनता है, ठीक है। अब क्या करना है, बड़ा सरल है, इस देयर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, बाकी वाक्य को ऐसे ही लिखते हैं, इज को ऐसे ही लिख लेंगे, नो को ऐसे ही लिख लेंगे। देयर इज नो बुक, पूरा का पूरा ऐसे ही नोट करेंगे दोस्तों, कहां तक, बुक तक, ठीक है। ये पूरा पार्ट ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, देयर इज नो बुक। टू राइट है तो दोस्तों टू बी अपने पास से लगाएंगे, टू बी रिटन, बस इतना करना है दोस्तों आपको, बन गया पैसे। अगला एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं दोस्तों। There was a slab to break. There से बना है, पूरा का पूरा वाक्य उतार लीजिए यहां तक। There was a slab, to को ऐसे ही लिखेंगे, बी अपने पास से लगाएंगे, broken लीजिए, ये बन गया आपका passive। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, जुड़े रहिए मेरे साथ वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट जब आप करते हैं तो दोस्तों मुझे ये पता लगता है कि वीडियो में कहां पर कौन सी त्रुटि है, कौन सी कमी है, क्या आपको पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।